ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इटली ने इसे रोकने के लिए बेहतरीन तरीका निकाला है। इटली के वैज्ञानिक उत्तरी इलाके में मौजूद अल्पाइन पहाड़ों पर मौजूद एक ग्लेशियर को बुझाने के लिए उस पर सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करने वाला तिरपाल बिछा रहे हैं। ये ग्लेशियर 1993 से लेकर अब तक एक तिहाई पिघल चुका है। इटली के अल्पाइन पहाड़ों पर स्थित प्रेसेना ग्लेशियर को बचाने के लिए उसके ऊपर सफ़ेद रंग का तिरपाल बिछाया जा रहा है ताकि ग्लेशियर को तेज़ी से पिघलने से बचाया जा सके। इस काम को करने के लिए इटली की सरकार ने एक कंपनी को दिया है। इस कंपनी का नाम है कैरोसेलो टोनाले। 2008 में प्रेसेना ग्लेशियर का 30,000 वर्ग मीटर का हिस्सा तिरपाल से ढका गया था। इस बार ग्लेशियर का 1,00,000 वर्ग मीटर का हिस्सा तिरपाल से ढका जा रहा है। ये कोई आम तिरपाल नहीं है, इसका रंग सफ़ेद है और ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। इसे जियो टेक्सटाइल तिरपाल कहते हैं। कैरोसेलो टोनाले कंपनी के अधिकारी डेविड पेनिज़ा ने बताया कि इस तिरपाल के नीचे सूरज की गर्मी नहीं पहुंचती, इससे प्रेसेना ग्लेशियर के बर्फ़ के पिघलने की दर कम हो जाएगी। प्रेसेना ग्लेशियर उत्तरी इटली के अल्पाइन पहाड़ियों पर लोम्बार्डी और ट्रेंटिनो अल्टो एडिगे इलाके की सीमा पर स्थित है। इस ग्लेशियर की ऊंचाई 2,700 मीटर यानी 8,858 फीट से शुरू होकर 3,000 मीटर यानी 9,842 फीट तक जाती है। डेविड पेनिज़ा ने बताया कि इस तिरपाल का एक शीट 5 मीटर चौड़ा और 70 मीटर लंबा है। इसे ऑस्ट्रिया में बनाया गया है। इसकी एक शीट $450 यानी 34,272 रुपए की है। डेविड ने बताया कि पूरे ग्लेशियर को ढकने में करीब 6 हफ्ते का समय लगेगा। इसे हटाने में फिर 6 हफ्ते का समय लगेगा। ये तिरपाल सितंबर के महीने तक इस ग्लेशियर पर बिछा रहेगा।